हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप, इस वक्त बहुत ही रोमांचक हो रहा है, सभी टीम्स में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टूर्नामेंट के 22वें मुकाबले में, जो कि ग्रुप ए की दो टीम जो कि आमने सामने होंगे। एक तरफ पाकिस्तान जो भारत से मिली हार के बाद सदमे में, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा जिसने आयरलैंड को हराया। तो आइए बात करते हैं इस मुकाबले को, जो कि 11 जून को न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 32% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करें इनके पिच एनालिसिस करते हैं, न्यूयॉर्क के पीछे T20 बैटर्स के लिए चुनौती पेश करती है। ये दो गति वाली विकेटें T20 में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तेज और सपाट पिच से अलग होती है। न्यूयॉर्क के पीछे अपनी स्लो सतह और स्लो ऑलफील्ड के लिए जानी जाती है। इसके अलावा शुरुआती स्पिन मोमेंट स्विंग बॉलर की मदद करेगी। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जो कि पाकिस्तान एक मैच जीत के आ रही है तो वहीं पर कनाडा 0 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनके बात करते हैं, इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का स्कोर 103 है, तो ही पे सेकंड इनिंग का स्कोर 102 है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम पाकिस्तान का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। तो पहले अमेरिका फिर भारत से मिली लगातार दो हार के बाद पाकिस्तान टीम कमर टूट गई है। अब टीम बहुत बड़े सदमे में है, क्योंकि जिस तरीके से टीम ने भारत के खिलाफ खेला उस तरह हर जगह टीम की बेइज्जती हो रही है। टीम अब टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर, यहां से टीम को बचे दोनों मैच जीतना होगा और यह से की हार की प्रार्थना करनी होगी। लास्ट गेम में टीम की शुरुआत खराब थी, ओपनिंग में जो कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम खेले थे, रिजवान ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए थे। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में जो कि सुहान खान और फकर जवान जो कि दोनों फ्लॉप हो गए थे, वहीं विकेट कीपर में आजम खान को ड्रॉप किया गया था, उनकी जगह इमाद वसीम को मौका मिला था। फिनिशिंग में सदाब खान और इफ्तिकार अहमद की ऑलराउंडर जोड़ी है। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें, टीम टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेल रही है। सभी बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो कि नसीम शाह और हैरी क्रॉफ्ट जो कि 3-3 विकेट लिए थे। वहीं अगर बात करते हैं, मोहम्मद आमिर ने भी 2 विकेट लिए थे, जहां पर शाहिद आफरीदी भी टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में सदाब खान और इफ्तिकार अहमद विकेट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, उस्मान खान है, फखर जवान है, सदाब खान है, इमाद वसीम है, इफ्तिकार अहमद है, शाहिद आफरीदी है, नसीम शाह, हरीश रौफ है, मोहम्मद आमिर। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि बाबर आजम है, शाहिद आफरीदी है, मोहम्मद रिजवान है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी कनाडा का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहां पे साद बिन जफर की टीम ने यूएसए के खिलाफ पहला मैच गवा दिया था, लेकिन अगले मैच में टीम ने आयरलैंड को हराकर स्टार्ट किया। कनाडाई कप्तान इस मुकाबले अपने बैटर्स को मजबूत परफॉर्मेंस करने की उम्मीद करेंगे। इस मुकाबले में जहां पे ऑरन जॉनसन और नवनीत धादीवाल जो टीम की अच्छी शुरुआत देनी होगी, नंबर 3 पर जो कि प्रगत सिंह खेल रहे हैं, इस मैच में मिडिल ऑर्डर का रोल इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे दिलप्रीत बाजवा, निकोलस क्रिटन, शेष मुआब से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। निकोलस क्रिटन ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए थे। वहीं साद बिन जफर और दिलप्रीत बाजवा जो कि लो ऑर्डर में हिटिंग एबिलिटी का टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वहीं बॉलिंग में जहां पे साद बिन जफर को आगे बढ़कर लीड करना होगा, वह डीलर हेनाई के साथ मैच में शुरुआती विकेट लेने की कोशिश करेंगे, जहां पे जुनैद सिद्दीकी और जेरेनी गार्डन इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं। वहीं पे मिडिल ओवरों में कलीम सना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब बात करते हैं कनाडा का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि एरन जॉनसन है, नवनीत डाटीवाल है, निकोलस क्रिटन है, प्रगट सिंह है, आर पठान है, शेष मुआवका जो कि विकेट कीपर है, साद बिन जफर कप्तान है, रविंद्र पाल सिंह है, डिलोन हेगली है, जेरेफिन गॉर्डन है, कलीम सना। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करेंगे, जो कि एरन जॉनसन है, डिलोन हैगलीगर है, जेरेनी गॉर्डन। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन कंक्लूजन देखते हैं। पाकिस्तान इस मैच में बहुत आगे, या दबदबा उन्हें फेवरेट बनाता है, लेकिन कनाडा को कमजोर समझना भी भूलोगे, और जिस तरह हाल फिलहाल में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस रहा उसको देखते हुए कनाडा यहाँ पे उलटफेर कर सकती है। दोनों टीम की स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में पाकिस्तान होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।